आइए शॉप के अंदर आपको मिलवाते हैं शॉप के ओनर से। हेलो भैया, कैसे हैं आप? भैया बहुत बड़े हो गया भैया। आपका शुभ नाम मेरे को बताइए। मेरा नाम इमरान शेख है। हाँ जी जी, बहुत बेहतरीन नाम है आपका, इमरान शेख। ठीक है भैया, मेरे को ये बताएंगे आपकी जो शॉप है यहाँ पर कितने टाइम से है? भैया यहाँ मुझे 2 महीने हो गए। हाँ जी, और इससे पहले मेरी शॉप थी टर्नर रोड ISBD के पास। हाँ जी, वहाँ मैंने 2 साल से कर रहा था, तो वहाँ से अभी क्लोज करके मैंने यहाँ ओपन किया है और यहाँ मुझे 2 महीने हुए। अच्छा, आपकी जर्नी वहाँ से लेकर के यहाँ तक की कैसी रही आप मेरे को बताएंगे एक बार, हमारे सब्सक्राइबर बताएंगे? जी बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी जर्नी थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं 7 साल दुबई काम किया था। हाँ जी, दुबई से आने के बाद मैंने यहाँ अपना ओपन किया, और यहाँ ओपन करने के बाद मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं इस बिज़नेस के अंदर। तो 2-2.5 साल में काफ़ी कुछ सीखा है बिज़नेस से रिलेटेड, काफ़ी कुछ मतलब किया है, मतलब बहुत प्रोग्रेस किया है उसके बाद आज यहाँ पर आप खड़े हो। ठीक है जी, बहुत कुछ किया है। ठीक है भैया, मेरे को ये बताइए आपका रनिंग आइटम बताएंगे आप हमारे सब्सक्राइबर लोगों को, जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया जाता है, जो खाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे मेरे जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं उनको जो मेरे यहाँ पसंद है, रोल्स पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है मेरे यहाँ का, एंड देन मेरे यहाँ का पास्ता उन्हें बहुत पसंद आता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रनिंग, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग, कंटिन्यूसली वो खाना पसंद करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भैया ने जैसे ही बताया कि हमारा कि इनका पास्ता और ये सब है, अब मैं एक बार मेन्यू भी देखता हूँ, ठीक है, उसमें डिसाइड करके ऑर्डर करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में ऑर्डर के साथ में। कौन सा वाला पिज्ज़ा है ये? बन रहा है भैया अपना तंदूरी पनीर। तंदूरी पनीर जी। ये दोनों सॉस कौन सी है? ये भैया इसमें तंदूरी और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। अभी इसको हम स्प्रेड करेंगे बेस के ऊपर। बेस के ऊपर हमारा जाएगा लेयर चीज सॉस का। इसके हम लगाएंगे भैया वेजेस, कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटो। और ये हमारे रोल का बेस तैयार हो चुका है। और ये इसके ऊपर क्या डाला गया भैया? ये डाला है भैया इस पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, हमारा थोड़ा एक लेयर मेयोनीज। अच्छा, पहले इसके नीचे डाली गई है हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, उसके बाद फिर मेयोनीज डाली गई है। अभी इसके ऊपर आ रहा है चीज़ी सॉस, ये चिली सॉस हो गया हमारा चीज़ी। हमारा चिकन आएगा, ये चिकन ऐड हो रहा है इसके अंदर, हमारा चिकन रोल रेडी हो रहा है। ये हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा रोल, और देखिए कितनी अच्छी गुड क्वांटिटी में इसमें चिकन रखा गया है, आप देख सकते हैं ये। और एक चिली पेपर, ये कौन सा मसाला था भैया? ये था भैया हमारा ओरिगानो। और ही कहना था, अभी इस पर हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला टैंगी फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा रेड पेपरिका, ब्लैक पेपर, अमूल का मोजरेला एंड चेडार मिक्स है। और जबकि हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है पिज़्ज़ा रोल, हाँ जी हाँ जी, विदाउट चीज़ ये बनेगा नहीं, नहीं, नहीं किसी भी हाल में। चीज़ काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में, इससे इतना चीज़ भी डाल दिया हमारी अमूल मोज़रेला चीज़ है। अभी इसे भैया हम करेंगे, ये इसका सर्कल बना दिया गया है रोल करके, रोल की शेप दे दी गई है अब इसको, और इसके बाद अब ये जाएगा भैया ग्रिलर में। अब ये इसे हम करेंगे ग्रिल। ये हमारा ग्रिलिंग मशीन के अंदर इसको डाल दिया गया है, 10-5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा। और जैसे कि हमने 2 ऑर्डर किए थे, ठीक है, वो आइटम हमारे रेडी हो चुके हैं। एक तरफ है हमारा तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा है, और ये हमारा है चिकन रोल पिज़्ज़ा है। ठीक है, जैसे कि भैया ने बताया कि ये क्या नाम है, पिज़्ज़ा चिकन पिज़्ज़ा रोल है ये, तो इसमें पिज़्ज़ा के चिकन के छोटे छोटे पीस डले हुए हैं, और क्या बोलते हैं चीज़ भी है। पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे। सबसे बेहतरीन है ये।
टेस्ट तो बहुत अच्छा है यार। अच्छा लगा। अच्छा इसके अंदर आपको जो टेस्ट आया है तो क्या क्या आपको पता लगा खाने पे क्या क्या है इसके अंदर? थोड़ा नमकीन सा टेस्ट है। नमकीन टेस्ट है, अच्छा लग रहा। और कुछ ज़्यादा डिफरेंट लग रहा? कुछ ज़्यादा चीज़ी नहीं ना, तो पूरा चीज़ी चीज़ सा हो गया था मैंने। हाँ हाँ। और चिकन के पीस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार, बाहर भी निकलेगा। अच्छा है ये बिरयानी इसका भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा पिज्ज़ा जैसा फ्लेवर है क्योंकि इसमें पिज्ज़ा की टॉपिंग लगी हुई है, इस वजह से। मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये तंदूरी पनीर पिज्ज़ा है, जो कि इसमें दिख रहा है कि इसमें आपको कैप्सिकम है, ओनियन है, पनीर है एंड कॉर्न है, है। और उसका बेस है बहुत अच्छा बेस है, अगर आप देखना चाहो तो ये देखिए आप, बहुत अच्छा बेस है। एंड ये देखिए फुल्ली चीज़, लाजवाब चीज़ है। और सबसे पहले मैं इसमें ये मसाला डाल देता हूँ। एंड अब मैं इसके लिए बताऊँगा आपको, देखिए ये चीज़ कितनी हैवी चीज़ है। टेस्ट कीजिए और बताइए। वाह, इसकी स्टफिंग बहुत प्यारी करी हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा इसका जो टेस्ट है बिल्कुल यम्मी पिज़्ज़ा जिससे बोलते हैं, डोमिनोज का भी इसके सामने कुछ नहीं है, यम्मी पिज़्ज़ा बिल्कुल डिलीशियस। मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप यहाँ पे नियर बाई लोकेशन पे है देहरादून या मसूरी के आसपास तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और इनका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, साथ के साथ ही प्राइस इसका जो है पिज़्ज़ा का हमारा 180 रुपीज़ इसका प्राइस है पिज़्ज़ा का, जो हमारा तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा है। और दूसरा रोल का प्राइस मैं आपको एक बार 100 रुपीज़, हाँ ओनली 100 रुपीज़, जो बेस्ट जो होता है ना वो इसका प्राइस रखा हुआ है इन्होंने, एकदम रीजनेबल प्राइस है। मेरा मानना है कि 100 रुपीज़ में ऐसी गुड क्वांटिटी, इतनी गुड क्वांटिटी और इतना बढ़िया बढ़िया रोल नहीं मिलेगा चिकन का। आप खा के देखिए, ट्राई करके देखिए, फिर पता चलेगा आपको। बाकी और जहाँ पर हम हैं ना अभी, अब ऐसी जगह पे ना ज़्यादातर चीज़ें महंगी मिलती हैं, पर ऐसी जगह पे भी इतनी सस्ती क्वांटिटी में देने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मतलब कैसे कर रही है इतनी सस्ती में, क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात अच्छा भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप क्वांटिटी ना भी देखें तो क्वालिटी सबसे बेस्ट है। बिल्कुल क्वालिटी बेस्ट है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में क्वालिटी मैटर करती है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बताइए कि हम एंडिंग कैसे करते हैं हमेशा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जस्ट एट द कॉस्ट, शेयर जरूर करें। ओके मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।